वर्ल्ड वाइड ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स मार्केट को चाइनीज गुड्स डोमिनेट करते हैं। चाइनीज गुड्स आर सो ट्रेंडिंग दैट दे हैव बिकम द फर्स्ट चॉइस व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। एज पर रिपोर्ट्स, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट एवरी ईयर 50-60% से ग्रो कर रहा है और ये मार्केट 16,60,000 करोड़ को टच कर जाएगा बाय द ईयर 2026। इसीलिए अगर आप भी इंडिया में अपना कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं और ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही समय है। इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और हम लोगों का एक्सपोर्ट भी $1 trillion को टच करने वाला है आने वाले कुछ सालों में। बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स एंड ट्रेंडिंग D2C प्रोडक्ट्स चाइनीज गुड्स का मुकाबला कर पाना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी आप बात करते हैं इंडिया में ट्रेंडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के बारे में तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है दैट इज इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। बट चाइना से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत ना सही बट थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत तो पड़ने वाली है। इसलिए अगर आप भी इंडिया में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने इंपोर्ट बिजनेस सेटअप के ऊपर 12 वीडियोस का पूरा सीरीज बनाया है जिसको देखने के बाद आप लोगों को इंडिया में इंपोर्ट बिजनेस सेटअप करने से रिलेटेड जितनी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इंपोर्ट बिजनेस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप लोग पूरी दुनिया से कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही इजीली बिना किसी मुश्किल के इंडिया में इंपोर्ट कर पाएंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और अगर आप भी इस ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं पिछले 10 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूं और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को व्हेन इट कम्स टू इंपोर्टिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना वो है, सबसे पहला ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सर्च किस तरीके से किया जाए, दूसरा उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का सप्लायर किस तरीके से ढूंढा जाए। ये तो प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व भी कर ली उसके बाद भी एक प्रोडक्ट को चाइना से इंडिया में लेके आना और फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचने में जो टाइम और इन्वेस्टमेंट आपका जाता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाना जितना आसान, इंपोर्ट कर पाना उतना ही मुश्किल है। एक प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस, फ्रेट, कस्टम क्लियरेंस, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और एज अ बिगिनर ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस के रह जाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेंडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन या ऑफलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना प्रोडक्ट्स को खुद से इंपोर्ट करे हुए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जहां से आप ट्रेंडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं और घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन ऑफलाइन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं उसका नाम है ड्यूड ऐप। ये वेबसाइट आप लोगों को एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके आप बहुत ही सस्ते रेट में हाईली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट इन्हीं के वेयरहाउस से कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ना तो आप लोगों को प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की जरूरत है ना ही उसका इन्वेंटरी मैनेज करने की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों को किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, एंड टू एंड पूरा शिपिंग ये लोग देख लेते हैं। आप लोगों को बस अपने बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स और मार्केटिंग पर ध्यान देना है और ऑर्डर लेके आना है, उसके बाद का सारा काम ये लोग खुद कर देते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर 3,000 से ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एनी टाइम अवेलेबल होते हैं जो कि रेगुलरली अपडेट भी होते रहते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोगों को ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने का जो टाइम है वो भी बच जाता है, जिसको आप फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी और बिजनेस को स्टार्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जो प्रोडक्ट है वो हाईली ट्रेंडिंग और रिसर्च प्रोडक्ट होते हैं जिनके मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और इसको आप बहुत ही आसानी से ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और 100% से ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का यूज करके फिर चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक रिटायर्ड पर्सन हो, अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों को ऑनलाइन सेलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उस बात की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को हर मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेलर अकाउंट क्रिएट करके देगा और उस सेलर अकाउंट में किस तरीके से सेल करना है उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ट्रेनिंग और प्रोडक्ट दोनों एक ही जगह पे मिल जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सके और प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सके। इस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट ₹9 से स्टार्ट हो जाते हैं और आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ ही अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम लगने वाली है इस वेबसाइट के साथ। ड्यूड ऐप की एक बात जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो ये है कि ये हाईली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, उसको इंडिया में टेस्ट करते हैं और जो उनमें से सुपर हिट प्रोडक्ट होता है उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो हाईली ट्रेंडिंग टेस्टेड प्रोडक्ट आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर सस्ता पड़ने वाला है चाइना के मुकाबले। तो अगर आप भी हाईली ट्रेंडिंग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इनके साथ अपना ऑनलाइन सेलिंग का, ई कॉमर्स का या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। एक बार आप लोगों का अपना ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस सेटअप हो जाए और आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए फिर चाहे तो आप खुद से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लीजिए और अपना खुद का इन्वेंटरी मैनेज कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।